नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा जो एज वाला कट ऑफ इशू को लेकर एक नोटिस जारी कर दिया गया है, इसमें आप देख सकते हैं ये डेट मेंशन है 14/2/2022 का। ये नोटिस जारी किया गया है दोस्तों, जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से SN पाठक के बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई। और इस मामले की महत्वपूर्ण जो है इस पूरे नोटिस में, मैं उस चीज़ को आप लोग पर ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा। ये वाला पैराग्राफ जो है दोस्तों, आप इसको पढ़कर समझ सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि इन व्यू ऑफ द एप्रोसिएट्स ऑर्डर एंड लास्ट डेट फॉर फिलिंग ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म पर्सुएंट एडवर्टाइजमेंट नंबर जो 5/2/2021 शैल बी सुटेबल एक्सटेंडेड फॉर द प्रेजेंट पिटिशनर आल्सो एंड फॉर ऑल अदर कैंडिडेट्स हुज केस आर ऑन सिमिलर। ठीक है, यानी जिन लोगों का एज कटअप इशू को लेकर सिमिलर केसेस था, उन सभी को एक तरह से ऑल कैंडिडेट्स, जितने भी कैंडिडेट्स सबको मौका मिलेगा दोस्तों एज कटअप इशू को लेकर। हाईकोर्ट के द्वारा ये नोटिस जारी कर दिया गया है। इसमें आप देख सकते हैं SN पाठक के बेंच में इस मामले की महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। द झारखंड स्टाफ सेलेक्शन कमीशन प्रेस कम्युनिक इन एट लास्ट लोकल न्यूज़पेपर ऑफ वाइड सर्कुलेशन एज वेल एज इट्स ऑफिशियल वेबसाइट विथ रिप्रेजेंट द प्रेजेंट इंट्रीम अरेंजमेंट मेड बाय दिस कोर्ट। तो ये नोटिस एक तरह से जारी कर दिया गया है दोस्तों, यानी झारखंड CGL का एग्ज़ाम में जितने भी लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं और जिन लोगों का ओवर एज हो गया था, उन सभी कैंडिडेट्स को एक तरह से फिर से दोबारा मौका मिलेगा। और इसका जो डेट है, अंतिम फॉर्म फिलअप का डेट है, इसको भी एक्सटेंड कर दिया गया है, जिसका वीडियो मैं नोटिस के जरिए पहले ही बता चुका हूँ दोस्तों। यानी सभी कैंडिडेट्स को मौका मिलेगा और सब लोग फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार के लेटेस्ट अपडेट से जुड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। Thank you.